डुअल पर्सनालिटी राइट। अगर बॉर्न राइटर हो उसको अगर माहौल मिल जाए तो आगे निकल जाता। तो आर्टिस्ट होना चाहिए पैदाइशी। सही। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने एक साहब को हाथ दिखाया अपना, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा बिजनेस करता हूं। कहने लगे बिजनेस वाली लाइन आपके हाथ में तो है नहीं। हमने कहा क्यों? कहने लगे बिजनेस मैन बड़ा कमीना होता है। कमीनी की लाइन नहीं है। सही। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वालिद साहब के साथ करते करते कहने आपके वालिद का भी हाथ देखा मैंने, वो भी लिखने पढ़ने वाले आदमी। हमने कहा नहीं, वो फिर ऐसा हुआ कि हमारे कुछ रिश्तेदार चचा वगैरह 47 में शहीद हो गए थे, तो वालिद साहब को फैमिली लेके चलना था, इसलिए कारोबार में आ गया। हालांकि वो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, उनके साथ मैं भी आ गया, इसलिए मार खा गया, फिर भाग गया वहाँ। सही बात है। एक कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद कमर। जावेद कमर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी आज गेस्ट कौन है? आज हमारे साथ बड़े अच्छे सिंगर हैं यहाँ पर, शाह आलम याद आ गए मुझे सुबह सुबह। जी बहरहाल जी जो भी करें अच्छा, इस मुल्क के लिए जो भी हो सकता है सब अपनी अपनी मेहनत जो है ना वो करनी चाहिए। सही बात। सब तक अच्छा कन्विंस करें सबको, अच्छी बातें अच्छी अच्छी चीजें जो है ना हम लोगों तक पहुंचाए ताकि हमारा माशरा अच्छा हो सब। आपकी लाइट आ रही है? नहीं लाइट नहीं है। कब से नहीं है? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। अच्छा तो आज आज तो आपकी एग्जीबिशन भी है? जी जी ग्रुप शो है आज। कार्ड कौन सा? कार्ड मुझे आप कार्ड देके गए थे ना? कार्ड मुझे मिल गए हैं जी रिसेप्शन पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हालात ने साथ दिया तो। वैसे तो लाइटों ने जो है वो बड़ा परेशान किया हुआ है। और आपकी तैयारी कम्प्लीट है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए ऑल द बेस्ट जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। गॉड ब्लेस यू और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अपनी जो मान में रखे। जी शायद साहब से कोई फरमाइश कीजिए, इन्होंने गाना छोड़ दिया, हम इन्हें वापस लाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे गा रहे हैं? कोई ये गजल है या कोई गजल पे है? गजल जगजीत की गजल कोई याद हो आपको तो। जगजीत चित्रा की? हाँ जी हाँ जी। वो कागज की कश्ती। कागज की कश्ती वो याद नहीं है कह रहे हैं। चले हम सुनते हैं जगजीत की कोई गजल। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जनाब। हो जाए कुछ चाय पी लीजिए। चाय पी ले जरा गले को। चाय पी के आदमी सुनता भी है गाता भी है, है? चाय से आदमी गा भी सकता है सुनता। हाँ। भी अच्छा है। अच्छा आपका आपके बता रहे थे कि पीटीवी पे कुछ आप हाँ। करने जा रहे हैं जी। पिछले साल किया था, मैं आया था, तीन गाने किए थे अभी। मतलब इनवाइट कर रहे हैं मुझे। हाँ, तो क्या प्लान किया, क्या सोचा? मतलब नेक्स्ट वीक शायद रिकॉर्डिंग होगी मेरी। अच्छा ओके। तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि शायद साहब ने बिल्कुल छोड़ दिया है मुकम्मल। नहीं अभी थोड़ा प्रैक्टिस अभी जो है वापस आए हैं और ये सोचकर आए कि कुछ करना है तो फिर अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और रखी जा सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा बचपन जो है उस वक्त आपको कुछ पता था कि मेरा कुछ इस तरफ जाने का होगा सिंगिंग? नहीं बचपन से। क्या बनने का शौक था आपको? यही आर्टिस्ट बनने का शौक था। कोई एनी मतलब कोई गाने पर परफॉर्मिंग में? अच्छा तो लेकिन मैं था इस पाकिस्तान में 71 में वहां से आए, यहाँ भी आके पढ़ाई वढ़ाई की फिर कारोबार में लग गए। लेकिन फिर बाद में कॉलेज वॉलेज में गाना गाने से लोगों ने एहसास दिलाया कि यार लग यार तू कुछ कर, फिर कोई चंगा काम भी कर लो। अच्छा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन फिर टूट गया मामला। फिर भागने जाना पड़ा, वहाँ से भागे इधर भागे। सही। From the very beginning we are running. भाग ही रहे। सही है। अरे जिंदगी का नाम है भागना, है ना? हर कोई भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई रोटी के पीछे भाग रहा है, कोई कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है। तो ये भाग दौड़ जो है लगी हुई है। Once uprooted, never be rehabilitated. Exactly. United Nations के चार्टर में लिखा हुआ है। True. बिल्कुल सही। एक कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल कय्यूम बात कर रहा हूँ। अब्दुल कय्यूम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र।
मैं औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ, शाहिद साहब से बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज कीजिए। हेलो हेलो शाहिद भाई जी, पहचाने आप? सलामकुम, कौन साहब हैं आप? कयूम बात कर रहा हूँ। कयूम, कयूम अशरफ भाई के साथ जो थे आप? हाँ, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, आप हैं कहाँ? मैं यार दो जगह से आदमी वापस नहीं आता है, अल्लाह के यहाँ से, एक अमरीका से। अच्छा, तो अमरीका से कब आया? अमरीका से आए हुए डेढ़ महीने हो गए। तो कम से कम मुलाकात तो कर लेना चाहिए था ना। नंबर यार नहीं होगा? नंबर नहीं है कोई, कोई शागल के पास मेरा नंबर होगा। शागल को भी पता नहीं है मैं आया हूँ कि नहीं आया हूँ, सिर्फ रशीद साहब को पता है कि मैं आया हूँ। अच्छा, शहजाद के पास भी नंबर है? हाँ, उनके पास है नंबर मेरे ख्याल। तो आपसे मिलना तो था हमें। अच्छा, मिल लेंगे। हाँ, कैसे मिल लेंगे? कैसे मिले? मिलेंगे यार, फोन करके शहजाद से नंबर लेके मिलूंगा मैं आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अल्लाह आपको खुश रखे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कयूम साहब कोई पुराने साथी आपके? कयूम साहब हमारे अशरफ साहब के साथ थे, जो हमारे कंपोजर थे, उनके साथ थे। तो बस उनसे वही मुलाकात हुई थी। सही सही। अच्छा, वहाँ पे अमेरिका में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वहाँ पे आपने शोज वगैरह किए? शोज वगैरह ऐसे तो नहीं, लेकिन ये कि हमारे दोस्त वोस्त हैं, हिंदू हैं, उनके यहाँ दिवाली वगैरह ये होती वहाँ। वो हमारे एक दोस्त है डॉक्टर अरुण कुमार, तबले वाले नहीं मिल रहा था वहाँ कोई तबला बजाने के लिए, तो किसी से बात हुई कि एक डॉक्टर साहब हैं वो बजाते हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं शौकिया बजाता हूँ। मैंने कहा मैं भी शौकिया गाता हूँ। सही। तो फिर उनके घर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया घर पे, तो घर में उस दिन राखी बंधन था। तो उन्होंने एक तश्त पे मिठाई और धागा रखा हुआ था, कहने लगा जिसको चाहे बांधते आप। तो मैंने उनकी बहन, उनकी वाइफ को बहन बनाया, फिर उसके बाद तबला बजाने लगे वो। सही। और इस तरह से रिश्ते बन जाते हैं। रिश्ते कैसे, क्या बात है, जबरदस्त। रिश्ता जो है ना खून से नहीं होता, रिश्ता एहसास से होता है। सही बात है, बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना, लोग बड़ी कंप्लेन करते हैं कि कुछ रिश्ते जो है वो तो बने बनाए क्योंकि मिलते हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो रिश्ते जो है अक्सर आपसे दूर हो जाते हैं, और जो आप रिश्ते खुद बनाते हैं वो आपके बहुत करीब हो जाते हैं। तो ये इसमें बड़ी फीलिंग्स, अगर आप देखें ना, जानवर जानवर से कोई रिश्ता नहीं होता। अमेरिका में कुत्ता बिल्ली को ऐसा पालते हैं जैसे कि बच्चा, अपनी जायदाद उसका नाम लिख देते हैं। और हमारे यहाँ तो इंसान इंसान की कदर नहीं है, कदर नहीं है, इंसान जायदादों की मार देते हैं यहाँ एक दूसरे को। तो इससे बेहतर यही है कि कुत्ता बिल्ली पाल लिया जाए और उसके नाम पे जायदाद कर दी जाए। वैसे वैसे सही बात है, ये अंग्रेजों की कुछ चीजें जो है, अमेरिकन की कुछ चीजें जो है वो बड़ी अजीब है, लेकिन अगर सोचा जाए तो उसमें बड़ी डेप्थ है। बहुत बहुत। तो यहाँ लोग इतराज बहुत से करते हैं कि भाई वो इंडिविजुअली ऐसे हैं लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा वो पॉलिसी अलग चीज है, इंसान की शख्सियत अलग चीज है। सही बात, बिल्कुल। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। एग्जैक्टली, जिस तरह हम लोग इंडियंस को या इंडिया को बहुत बुरा समझते हैं या कहते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडियंस जो है जब उनसे बात होती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। डिफरेंट मतलब उनका, उनकी सोच जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ के लोगों की, आम लोग की, लोगों की सोच है। और वो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहा जाए, आया जाया जाए, मिला जुला जाए। आपका इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का? नहीं, हुआ नहीं है, सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। अरुण कुमार हमारे दोस्त कह रहे हैं चलो यार एक दफा।